स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक का नाम है शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तो चलिए, आप पहले अपनी फेयर नोटबुक निकाल लीजिए हिंदी की, और आज की तारीख डालिए, दिनांक डालिए। आज की दिनांक है 30/7/2020। हेडिंग डालिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तो आप इससे क्या समझते हैं? शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं, कोई भी एक हमें शब्द दे दिया जाए, को वाक्य। वाक्य क्या होता है? जब हम एक पूरा वाक्य लिख लेते हैं, मतलब सेंटेंस लिख लेते हैं। में प्रयोग करें, प्रयोग का मतलब होता है उसका यूज़ करें। तो इसका, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमें एक शब्द दिया जाएगा और उसका हम एक वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए। चलिए, जैसे कि मैंने आपको एक शब्द दिया स्वभाव। स्वभाव मैंने आपको एक शब्द दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करें। तो स्वभाव आप सबको पता है, पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप उस शब्द का एक सही वाक्य, मीनिंगफुल वाक्य बना पाएंगे। तो स्वभाव का अर्थ क्या होता है? किसी का व्यवहार, नेचर। जैसे कि कोई हंसमुख है, कोई हमेशा उदास रहता है, या कोई चिड़चिड़ा है, या कोई समझदार है, तो ये सब क्या होता है? स्वभाव। तो हम स्वभाव को किस तरीके से वाक्य में प्रयोग करें कि स्वभाव, ये जो शब्द है, ये वाक्य में आए। चलिए, एक वाक्य में लिखती हूँ, सभी के स्वभाव में अंतर होता है। तो मैंने क्या किया, इस शब्द को, स्वभाव शब्द को मैंने इस वाक्य में प्रयोग किया, मतलब उस वाक्य में ये शब्द आ रहा है। और मैंने वाक्य भी अच्छा सा बनाया कि सभी के स्वभाव में अंतर होता है, सभी का नेचर अलग अलग होता है, तो मैंने वही वाक्य बना दिया। ठीक है, ये था पहला शब्द हमारा जिसका हमने वाक्य बनाया। अब बात करते हैं दूसरे किसी शब्द की। भविष्य, भविष्य सभी को अर्थ पता है। भविष्य का, भविष्य होता है हमारा फ्यूचर, जो हमारे आने वाला समय है, जिसे कोई नहीं जानता। कोई अपना भविष्य जानता है? नहीं जानता। तो भविष्य का अर्थ होता है आने वाला वक्त, जो अभी आएगा, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो भविष्य से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? भविष्य को कोई नहीं जानता, तो ये एक वाक्य बन गया। मैंने भविष्य शब्द का प्रयोग एक वाक्य में किया। ठीक है, अब मैं तीसरा आपको एग्जांपल देती हूँ। संकट, संकट का मतलब क्या होता है? जब हम पे कोई कठिनाई आ जाती है, कोई हमारे ऊपर दुख आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? संकट में हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप संकट से यही वाक्य बनाएं, या भविष्य से आप यही वाक्य बनाएं, या स्वभाव से आप यही वाक्य बनाएं। एक शब्द से अनगिनत वाक्य बन सकते हैं। तो आपको, आप ये भले ही आप सेम टू सेम कॉपी में अपने लिख लें, मेरे जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लें, सिर्फ पहली बार ये जानने के लिए कि कैसे किया जाता है। पर आगे से कभी अगर मैं आपको कोई अभ्यास दूँ, कुछ दूँ,
उसमें आपको अपना माइंड चलाना है और एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। जैसे कि अब संकट है, मैंने लिखा संकट में हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप इसमें और क्या लिख सकते हैं? संकट में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, या संकट में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए कितने सारे वाक्य एक ही शब्द से बन रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक और वाक्य देखते हैं, चौथा वाक्य देखते हैं। कोशिश, कोशिश का क्या अंतर अर्थ होता है? कोशिश का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं, हम बार बार कोशिश करते रहते हैं। हम एक बार हारे, दो बार हारे, पर हम तब भी प्रयत्न कर रहे हैं, हमने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कोशिश से हम क्या वाक्य बनाएंगे? हमें आजीवन या फिर सारा जीवन कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने पूरे जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अब पांचवा शब्द देखते हैं, मित्रता। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, तो हम इसके लिए क्या एक शब्द वाक्य बना सकते हैं? मित्रता हमेशा निस्वार्थ निभानी चाहिए। जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसमें हमें कभी भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, निस्वार्थ निभानी चाहिए। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं, क्या वर्ड ले सकते हैं हम? अवसर, अवसर, अवसर का क्या अर्थ होता है? पहले हमें ये पता होना चाहिए, मौका, मतलब हमें किसी दिन मौका मिल गया कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया, या फिर हमने हमें कोई अवसर मिला कि हमने किसी की मदद की, तो हम इसी तरीके से वाक्य बनाएंगे। हमें अवसर मिलने पर गरीब या दुखी की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना सीखा। इसी तरीके से बच्चों, मैं अब आपको कुछ और शब्द दे रही हूँ जिनके वाक्य आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। चलिए, यह है आपका अभ्यास कार्य, ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही करना है। पहला शब्द आपके लिए होगा यात्री, दूसरा शब्द होगा आपके लिए यातायात, तीसरा शब्द आपके लिए होगा प्रभाव,
चौथा शब्द आपके लिए होगा चांद। पांचवा शब्द आपके लिए होगा लालची। छठा शब्द आपके लिए होगा भूखा। तो आपको छह और नए शब्द मैंने दिए हैं, इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंने प्रयोग किया ऐसे ही आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, पर उस वाक्य का एक अर्थ निकलना चाहिए, एक मीनिंगफुल वाक्य वो होना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया है, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी शब्द को, जो शब्द हमें दिया गया है, जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, देखिए स्वभाव शब्द दिया था तो यहाँ पर स्वभाव आ रहा है, मैं अंडरलाइन करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, स्वभाव जो शब्द है हमें उसे वाक्य में प्रयोग करना है, और देखिए स्वभाव शब्द वाक्य में आ रहा है। भविष्य, देखिए यहाँ पर भी भविष्य शब्द वाक्य में आ रहा है। संकट भी यहाँ पर आ रहा है, कोशिश भी यहाँ पर आ रहा है, मित्रता भी यहाँ पर आ रहा है, अवसर भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी शब्द दिया गया है वो वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है। तो यही इसका, इसमें कुछ खास रूल नहीं होता है, जैसे लेटर में और सब चीज़ों में मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। सिर्फ जो शब्द आपको दिया गया है उसको आपको बखूबी निभाना है एक वाक्य बनाने में, उसमें वो शब्द आना चाहिए और एक मीनिंगफुल वाक्य आपको लिखना है। इसी तरीके से आप यात्री का बनाएंगे एक वाक्य, यातायात का एक वाक्य आप बनाएंगे, प्रभाव का एक आप वाक्य बनाएंगे, चांद का आप एक वाक्य बनाएंगे, लालची का आप एक वाक्य बनाएंगे और भूखा का एक वाक्य बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये देख के करना है, और ये आपको वाक्य खुद से अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये दोनों कार्य आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और आप ये तो आप ऐसे ही उतार लेंगे, इनके लिए आप किसी की मदद नहीं लेंगे, आपको खुद से अपने वाक्य बनाने हैं। आपने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, अब आप थर्ड क्लास में हैं और आपने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, इतने सारे वाक्य आपके पूरे दिन में यूज़ होते हैं, आप खुद भी बोलते हैं, आप अपने बड़ों से सुनते हैं, तो उन्हीं को दिमाग में रखते हुए आपको ये वाक्य भी बनाने हैं, ठीक है। चलिए, आपको ये वीडियो YouTube चैनल पे आपके मिलेगा आपकी क्लास के, और यही PDF मैं आपकी स्नैप होमवर्क ऐप पे अपलोड करूँगी, आप वहाँ से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।